देखिए, दुनिया भर में किसी भी देश की पॉपुलैरिटी उसकी सॉफ्ट पावर की वजह से होती है। आज हम अमेरिका को देखें तो दुनिया भर में उसकी छवि सुपर पावर की बनी हुई है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है उसकी मूवीज का। आज मार्वल्स की मूवीज पूरी दुनिया भर में फेमस है, और उसने ये अमेरिका की छवि बना दी है कि भाई हम तो दुनिया में सुपर पावर है, हमारे पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अमेरिका की CIA को भी इतना एडवांस दिखाया जाता है फिल्मों के अंदर कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जैसा चाहे वैसा कर सकती है। लेकिन देखो, न तो एक्चुअल में CIA इतनी पावरफुल है और न ही उसके पास कोई कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन है, लेकिन उन मूवीज को देखते देखते एक छवि सी बन जाती है कि हाँ, एक्चुअल में अमेरिका ही इतना पावरफुल है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया की। पिछले 10-15 सालों से उसकी म्यूजिक इंडस्ट्री ने दुनिया भर में साउथ कोरिया की एक अलग छवि बना दी है। अब दुनिया इस म्यूजिक को कोरियन पॉप कल्चर के नाम से जानती है। वैसे तो कोरिया के कई सारे पॉपुलर बैंड्स हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है BTS ने। तो BTS है क्या चीज? तो देखिए, ये म्यूजिक बनाता है और इसके गाने दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं। और BTS का पूरा नाम है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, वहीं इसका दूसरा नाम भी है बियॉन्ड द सेंस, इसे ये भी कहा जाता है। वहीं कोरियन में इसे बैंगटन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, ये 7 लड़कों का एक ग्रुप है और ये सभी लड़के आपस में मिलकर के कोरियन पॉप कल्चर में म्यूजिक और डांस वगैरह करते हैं। अब देखो, इन 7 ग्रुप मेंबर्स में एक का नाम है किम नामजुन, जिसे RM भी कहा जाता है। दूसरा है किम सोक, जिसे जिन कहा जाता है। तीसरा है मिन युंग, जिसे सुगा कहा जाता है। चौथा है जंग हो सोक, जिसे जे होप कहा जाता है। अगला है पार्क जिमिन, इससे अगला है किम त्यूंग हुंग, जिसे वी कहा जाता है। और आखिर में है जंग कुक। इससे ग्रुप की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, लेकिन इनका पहला गाना 2013 में आया था, तो इसका डेब्यू साल हम 2013 ही कह सकते हैं। अब इसकी दुनिया भर में पॉपुलरिटी इसलिए है क्योंकि इनके जो म्यूजिक और डांस करने का तरीका है ना, उसके लोग काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो, इनके म्यूजिक में हिप हॉप होता है, पॉप होता है, R&B होता है। इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट स्टाइल्स का एक मिक्सर तैयार किया जाता है। इनके म्यूजिक के टोन्स भी काफी कैची होते हैं। गाने में यूज होने वाले साउंड्स और बीट्स इतने कैची होते हैं कि आदमी अगर एक बार इसको सुन लेता है तो फिर वो बार बार दिन भर उसके दिमाग में वही चीजें गूंजती रहती हैं। अब ऐसा आपके साथ कई बार नहीं होता कि आप इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स देख लेते हैं और उसमें से जो गाना यूज किया जाता है तो फिर दिन भर आप उसको गुनगुनाते रहते हैं, और वो जो बीट्स होती है वो आपके दिमाग में दिन भर गूंजती रहती है। तो इनकी बीट्स कुछ ऐसे ही होती है कि जो उन्हें सुन लेता है वो दिन भर उनको गुनगुनाते रहता है। वहीं इनकी कोरियोग्राफी भी काफी इम्प्रेस करने वाली होती है। म्यूजिक वीडियोज के अंदर कॉस्ट्यूम्स और कलर सिलेक्शन काफी सोच समझ के किया जाता है, गाने के आइडिया के हिसाब से ही, जैसे कि ग्राफिक्स हो गया, कलर इफेक्ट हो गया, मेकअप हो गया, आउटफिट हो गया, तो ये सब कुछ उस गाने की स्टोरी के हिसाब से ही सेट किया जाता है। वीडियोज के अंदर अलग अलग ग्राफिक्स का यूज करके कुछ क्रिएटिव सा निकाला जाता है। अब देखिए, परफॉर्मेंस तो इनकी कमाल की है और एक अपनी अलग पहचान बनाई है परफॉर्मेंस की बदौलत ही, लेकिन अगर आप इनके गानों को और अच्छे से सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनके गानों में एक खास चीज और होती है। दरअसल ये बिना सर पूंछ के गाने नहीं बनाते, बल्कि उन गानों का एक खास मीनिंग भी होता है। ये युवाओं के अंदर बड़े फेमस होते हैं क्योंकि ये अपने गानों के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं। अब जैसे उनके कुछ गाने हैं, जिसमें एक है नो मोर ड्रीम, दूसरा है विंग्स। अब इन गानों के अंदर ऐसे टॉपिक्स को चूज किया जाता है जो डायरेक्ट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई, सेल्फ लव हो गया, स्कूल या वर्क प्लेस पर होने वाली बुलिंग हो गई, वहीं चाहे यंगर्स के ऊपर पढ़ाई करने का प्रेशर हो, वुमन एम्पावरमेंट की बातें हो, तो इस प्रकार के टॉपिक्स को ये चूज करते हैं। फिर जब ये परफॉर्मेंस करते हैं तो इन टॉपिक्स को एक कहानी की तरह इमोशन में डाल दिया जाता है, और हर म्यूजिक के लास्ट में एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है। अब जैसे इनका एक गाना है इफ यू वर मी, जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाई है जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो उन्होंने इस पूरे म्यूजिक वीडियो में इस नैरेटिव से इस लड़की के इमोशंस को शो किया है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो कैसा महसूस करते। तो इस प्रकार के टॉपिक्स की वजह से ही ये युवाओं के अंदर ज्यादा फेमस है, और इस वजह से लोग इनसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर पाते हैं। अब देखो, कोरिया का ये पॉप म्यूजिक 1990 के दशक में बनना शुरू हुआ था, लेकिन उस समय इतना ये पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बाद में धीरे धीरे इंटरनेट आने लगा, सोशल मीडिया आने लगी, तो दुनिया भर में इसको पहचान मिलती गई। अब इन 7 लड़कों की अपनी अपनी खासियतें भी हैं, जैसे कोई अच्छा डांसर है, तो कोई अच्छा सिंगर है, तो कोई लुक्स और ड्रेसिंग सेंस में काफी बढ़िया दिखता है, तो कोई बढ़िया रैपर है, और इनमें से एक को तो वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का टाइटल भी मिल चुका है। तो अपने लुक्स की वजह से भी ये बड़े पॉपुलर हैं, और अक्सर लोग इनके लुक्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो 7 लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी अमीर खानदान से आते हैं, सभी का जीवन शुरुआती दिनों के संघर्षों में बीता हुआ
हुआ है। 2010 के शुरुआती दिनों की बात करें तो ये सभी सातों मेंबर एक ही कमरे में रहा करते थे और अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। शुरू में जब इनकी कम पॉपुलरिटी थी तो कई अवार्ड शो में इनको नजरअंदाज किया जाता था, और अगर आज किसी एयरपोर्ट से ये गुजर जाए तो वहां पर कैमरामैन की भीड़ लग जाती है, फैंस वहां पर टूट पड़ते हैं। एक BTS मेंबर ने कहा था कि शुरुआती दिनों में इन्हें सोशल मीडिया पर और परफॉर्मेंस के दौरान भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा था और काफी मेंटल डिप्रेशन से गुजरना पड़ा था। तो शुरू में इनकी 3-4 साल तक ट्रेनिंग हुई थी, तो इस ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें कई सारी लैंग्वेज बोलना भी सिखा दिया जाता है ताकि अलग अलग देशों के फैंस के साथ भी ये कनेक्ट हो सके। हालांकि ये गाना तो देखो कोरियन भाषा में ही गाते हैं, लेकिन इनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स आपको उन देशों में देखने को मिलेंगे जहां पर कोरियन लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। अगर आप दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस को देखें तो कोरियन का नंबर 13वां आता है। अब इनके फैंस को देखें तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका और हमारे देश में भी काफी सारे इनके फैंस पाए जाते हैं। अब आप इनकी पॉपुलरिटी को ये देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले साल ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इन सातों मेंबर्स को व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। वहीं साउथ कोरिया की गवर्नमेंट भी यूनाइटेड नेशंस में इनको अपने देश की ओर से विशेष दूत बना करके भेज चुकी है। वहीं यूनिसेफ के ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने अपने एक गाने लव योर सेल्फ इस गाने के थीम पर एक स्पीच भी दी थी। यानी आप देख रहे हैं कि साउथ कोरिया किस प्रकार से अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल मंच पर भी अपनी देश की पावर को दिखाने में कर रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हमारा देश नहीं कर सकता? कोरिया से भारत भी काफी कुछ सीख सकता है। अभी हमारे पास बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो हमारी सॉफ्ट पावर को आगे ले जाने में फेल साबित हुई है। भारत के पास भी अपनी सॉफ्ट पावर्स हैं, जैसे कि आध्यात्म, संस्कृति, योगा, जिसे हम दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में प्रचारित कर सकते हैं। अब बॉलीवुड से तो इसकी उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सफलता हासिल की है। अब देखिए BTS की जितनी दुनिया भर में पॉपुलरिटी बढ़ी है ना, उसका फायदा सीधे साउथ कोरिया को मिला है। उसका कोरिया कल्चर दुनिया भर में फेमस हुआ है, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और इंडस्ट्री को भी जम करके फायदा हुआ है। कोरिया की इकोनॉमी में जिस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ना, उसके लिए एक खास शब्द इन्हें कहा जाता है, वो है इकोनॉमी। तो वहां के लोग BTS ग्रुप को देश का नेशनल ट्रेजर भी कहते हैं, और कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से योगदान देता है तो इतना तो बनता है। तो कह सकते हैं कि BTS साउथ कोरिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कोरिया की 2018 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि BTS हर साल साउथ कोरिया की इकोनॉमी में अपने म्यूजिक वीडियोज और कॉन्सर्ट शो के जरिए ही करीब 3.86 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, यानी $4.7 बिलियन। अगर BTS के डेब्यू से लेकर अभी तक साउथ कोरिया की इकोनॉमी में इसके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये लगभग 2,41,182 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुका है। एक रिपोर्ट तो ये भी है कि भाई कोरिया की GDP में BTS का कॉन्ट्रीब्यूशन कोरियन एयर के लगभग बराबर बैठता है। कोरियन की गवर्नमेंट की भी एक रिपोर्ट है कि 2018 तक कोरियन टीवी शोज, म्यूजिक, क्लोथिंग और पॉप कल्चर से जुड़ने वाले लोगों में 22% की ग्रोथ हुई है, और 2022 तक करीब 17 करोड़ लोग इस कोरियन कल्चर से जुड़ चुके हैं। अब देखिए जो BTS मेंबर्स हैं उनकी लाइफ भी लग्जरी लाइफ बन चुकी है। इनके मेंबर्स को जूतों से लेकर घड़ियों और गाड़ियों का बड़ा शौक है। इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां मौजूद है, वहीं दुनिया की सबसे रेयर पाए जाने वाली वॉचेज भी है। अब जैसे कि World War I के दौरान टैंक बनाने वाले एक शख्स थे, तो उन्होंने एक घड़ी बनाई थी कार्टियर टैंक नाम से, तो वो घड़ी भी इनके पास ही मौजूद है। इसी तरह फिलिप नोटिलस नाम की एक वॉच है जो 18 कैरेट सोने में बनी हुई है, और खास बात यह है कि ये हाथ से बनाई गई है, तो वो भी इनके पास ही मौजूद है। अब देखो आज भले ही यह लग्जरी लाइफ जीते हों, लेकिन इनके ऊपर भी काफी प्रेशर होता है कि ये अपने आप को सुंदर दिखाएं, खूबसूरत दिखाएं। अब जैसे हम इस वीडियो में BTS ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो लड़कों का ग्रुप है और वो सातों केवल लड़के ही इस ग्रुप में हैं। ऐसे ही कोरिया का ब्लैकपिंक नाम का एक और ग्रुप है, वो भी दुनिया में काफी फेमस है, लेकिन उसमें केवल लड़कियां ही हैं। तो उनको भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और बहुत ही कम उम्र में मात्र 25 से 30 साल की उम्र तक ही वो अपने चेहरे की 10 से 15 बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी होती है। यानी यहाँ पर आकर इनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ये एक कंपनी के तहत काम करते हैं और उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये पॉप स्टार अपनी मन पसंद की चीजें तक नहीं खा सकते हैं। इनको अपना वजन मेंटेन रखने के लिए जैसा इनकी कंपनी कहती है वैसे ही डाइट फॉलो करनी पड़ती है। हालांकि कमाई के मामले में ये काफी आगे निकल चुके हैं। आज के समय में ब्रांड एंडोर्समेंट से ही 22 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए तक की ये मंथली कमाई कर लेते हैं। जब ये किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो उस ब्रांड की बिक्री तेजी से बढ़ने लग जाती है। BTS ने कोरिया की टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी इफेक्ट छोड़ा है। 2017 की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 13 में से एक व्यक्ति सिर्फ BTS के क्रेज की वजह से ही साउथ कोरिया में घूमने के लिए आया था, और ताजा रिपोर्ट तो यह बताती है कि भाई कोरिया में आने वाले 70% टूरिस्ट केवल BTS की वजह से आ रहे हैं। अब देखिए जब COVID-19 आया था तो दुनिया भर की कंपनीज स्ट्रगल करने में लगी हुई थी, लेकिन वहीं BTS ने अपने कॉन्सर्ट के टिकट और मर्चेंडाइज की बिक्री की बदौलत करीब 5 अरब 76 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब जैसे ही इनका कोई नया गाना रिलीज होता
होता है तो उसके साथ ही उससे जुड़ी हुई कई चीजों की बिक्री तेजी से बढ़ने लग जाती है। और देखो BTS का क्रेज केवल इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि कोरियन कल्चर को भी ये दुनिया भर में बढ़ा रहे हैं। आज कोरियन लैंग्वेज को सीखने के लिए दुनिया भर में कोर्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी फ्री के अंदर कोरियन लैंग्वेज सिखाई जा रही है। वहीं अमेरिका के लोगों में भी ये क्रेज है कि वो कोरियन लैंग्वेज को सीख करके कोरियन पॉप कल्चर को और गहराई से समझ सके। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरियन गवर्नमेंट भी अपने कल्चर को प्रमोट करने में लगी हुई है और वो कई देशों के अंदर फ्री लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज सिखा रही है। अब एक बार इनके फैंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर BTS की बात हो रही हो और उनके फैंस की बात ना हो तो वो नाराज हो जाएंगे। अब देखिए कई ब्रांड इस बात को कह चुके हैं कि भाई जो BTS की फैन फॉलोइंग है ना वो लॉयल फैन बेस की है। अब इन फैंस ने अपने आप को एक अलग नाम दे रखा है, BTS आर्मी। अब जैसे भारत में इनकी काफी सारी फैन फॉलोइंग है और खासकर ये कम उम्र के बच्चों के बीच ज्यादा पॉपुलर है और उनमें भी खासकर लड़कियों के बीच। अब भले ही उनको मेरे जैसे ये कोरियन लैंग्वेज न पल्ले पड़ती हो लेकिन वो BTS के बड़े दीवाने हैं। अब देखिए कम उम्र के बच्चों के बीच ये इसलिए ज्यादा पॉपुलर रहते हैं क्योंकि इन्हें सिंगर्स का चार्म, इनकी सुंदरता, इनकी पर्सनैलिटी और इनका फैशन सेंस, इन सभी चीजों से बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दूसरी बात ये भी है कि BTS के मेंबर्स खुद भी इनसे काफी कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए तो इंग्लिश, जापानी, मैंड्रिन और रशियन जैसी लैंग्वेज को ये सीखते हैं ताकि अपने फैन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। यहां तक कि कई बार तो ये अपने फैन से पर्सनली जाकर भी मिल लेते हैं और अक्सर कई बार देखा जाता है कि ये अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं और लाइव चैट पर उनका जवाब भी देते हैं। अब देखिए BTS आर्मी को केवल एक आप फैन ग्रुप ही नहीं मानना बल्कि ये उससे भी कहीं ज्यादा है। ये हर देश में एक कम्युनिटी के जैसे काम करती है, वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कई चैरिटी प्रोग्राम्स को चलाती है। अब आखिर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताते जाता हूं। तो देखिए साउथ कोरिया में एक नियम है कि साउथ कोरिया के हर आदमी को 18 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच अगर वो फिजिकल रूप से फिट है तो उसको साउथ कोरिया की मिलिट्री में 18 से लेकर 21 महीने की सर्विस देना कंपलसरी है। अब आपको लग रहा होगा कि यार BTS के जो 7 मेंबर्स हैं वो तो वहां की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो उनको थोड़ी मिलिट्री में सेवा देने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो साउथ कोरिया है, भारत नहीं है। यहां पर तो अगर किसी के 7 रिश्तों में दूर भी कोई मंत्री या विधायक बन जाता है ना तो वो अपने आप को VIP समझने लगता है, लेकिन साउथ कोरिया में सेलिब्रिटी है तो वो अपनी जगह पर है। वहां रूल्स सबके लिए समान है और इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी इस नियम से छूट नहीं मिली है और BTS के हर मेंबर को भी मिलिट्री में सर्विस देनी पड़ेगी। इसी वजह से 2022 के बाद से BTS के सभी मेंबर्स ने मिलकर के कोई भी परफॉर्मेंस या कॉन्सर्ट नहीं किया है। इसी साल अप्रैल में इसके एक सिंगर जे होप ने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर ली है। वहीं इससे पहले 2022 में ही इनके सबसे सीनियर मेंबर ने भी डिफेंस ज्वाइन की थी। हालांकि कई इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि भाई BTS के मेंबर्स अगर आर्मी में चले जाएंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। जब पहली बार ये न्यूज सामने आई कि BTS के मेंबर्स आर्मी में शामिल होने जा रहे हैं तो BTS की जो पेरेंट कंपनी है हाइपे उसके शेयर्स में 8% तक की गिरावट देखी गई थी। हालांकि दोनों मेंबर्स 2025 तक वापस आ जाएंगे और बाकी के जो मेंबर्स है वो अपना टाइम आने पर डिफेंस ज्वाइन करेंगे, लेकिन BTS के डिफेंस ज्वाइन करने से उनकी सेल्स में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि उनका जो मर्चेंडाइज बैकअप है, टी-शर्ट्स है, शूज है, ऐसी कई चीजें हैं जो बिकती रहेंगी। इसके अलावा उनकी कंपनी के पास उनका कुछ पुराना कंटेंट भी है और कई ऐसे एल्बम्स भी वो शूट करके रखते हैं जो रिलीज नहीं हुए हैं, तो जैसे ही वो रिलीज किए जाएंगे तो उनसे भी काफी प्रॉफिट आने की उम्मीद है। और अभी इन सिंगर्स ने भी ये कहा है कि भाई वो अब एक बैंड के तौर पर काम नहीं करेंगे, यानी सातु एक साथ मिलकर के कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे बल्कि सब अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर भी गाने रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है और आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। वहीं अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लगातार देख रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और मैं भी आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज लाते रहूंगा।